अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर जनाब मैंने मंगवाई थी मरियम परवेज़ की कुछ प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही अच्छी फेमस यूट्यूबर है। फाउंडेशन मैंने ऑर्डर की थी मरियम परवेज़ M1 के नाम से। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी लिक्विड जो है वो ग्लास स्किन है। इनके कहने के मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चले हम आगे इसको यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी। तो जनाब सब, ये हम तीनों सिस्टर्स ने ऑर्डर कर ली थी M1 की। अच्छा, एक सिस्टर ने पहले से ही बाय की हुई थी, तो इन्होंने ओपन कर ली, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वही ओपन करके दिखाऊंगी। अभी मैं आप लोगों के सामने इसको अप्लाई करूंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिज़ल्ट भी इसके दिखाऊंगी कि इसके थोड़ी देर के बाद आप लोगों के सामने इसके रिज़ल्ट होंगे। ठीक है, आप लोग खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि यार ये रिज़ल्ट है इनके। तो खैर, आप लोगों के सामने अभी मैं ओपन करूँगी इसको। मरियम M1 है, ठीक है, मेड इन चाइना है ये। और ये खुद जनाब सब पाकिस्तान में रहती हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना के नाम से दी हुई हैं कि ये चाइना में बनी हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जनाब सब ये मरियम परवेज़, ये मैं अपनी सिस्टर के हैंड पर अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जस्ट इसका वन पफ मैंने लिया है और आप देखो, इसको मैं अप्लाई करूँगी इनके तकरीबन पूरे हैंड के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से डैप डैप करके भी आप लोगों को दिखाऊँगी। और मैं इस तरीके से पहले इसको पूरे हैंड पर इनके फैला रही हूँ। आप लोग देखो, ये थोड़ी सी कम ही क्वांटिटी में मैंने लिया था, लेकिन ये पूरे ही हैंड पर जो है वो आप लोगों के सामने लग गया। इसी तरह से अगर आपको अपने फेस के लिए लेना है तो आप 3 पम्प्स इसके लो या 2 पम्प्स इसके लो, वो भी आपके फेस के लिए इनफ हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग देखो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। ये जब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करते हो ना, आपके पूरे फेस के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और ब्लेंड के बाद ये बहुत ही अच्छे से वहाँ पर स्टिक हो जाता है कि आपको वहीं से उतरता बिल्कुल भी नहीं है। भले आप उसके ऊपर पानी डालो या कुछ भी कर लो ना, ये वहाँ से नहीं उतरता। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मरियम परवेज़ का ही मेरे पास स्पंज था, तो मैं उसी के साथ ही आप लोगों के को इसको जो है वो ब्लेंड करके बता रही हूँ कि इस तरीके से मैंने ब्लेंड किया। ये आप लोग देखो, कोई भी किसी किस्म का ना मैंने प्राइमर यूज़ किया ना कंसीलर यूज़ किया, बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो गया है। ठीक है, और ये जनाब साहब मरियम परवेज़ की जो है ये आप लोगों के सामने है। लैशेज़ मैंने ऑर्डर की थी, तो ये आप लोग देखो, ये बहुत ही ज़बरदस्त लैशेज़ हैं। मेरी सिस्टर जो है वो 1-2 इसको इवेंट्स पर लगा कर गई हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आँखें लगती हैं, बहुत ही लाइट वेट। अच्छा, ये जनाब साहब, हम लोगों ने पहले इसके ब्लशेज़ जो है वो लिए हुए थे, क्रीमी ब्लशेज़ हैं इसके। पहले इन लोगों ने हम लोगों ने इसमें जो है वो क्रेव जो है वो इसका यूज़ करके देखा था। अब हमने सोचा कि अब इसके साथ जो है वो इसका रोज़ कलर भी ऑर्डर कर लेते हैं। और फिर जनाब हम ये ट्राई करेंगे अभी सिस्टर के हैंड पर, जहाँ पर हमने लगाई है फाउंडेशन, तो वहाँ उसके ऊपर अभी मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका शेड देखें आप लोग। अच्छा, ये वाला जो इसका पिंक शेड है ना, ये बिल्कुल मैट में है। ठीक है, मतलब कोई भी किसी किस्म का ना कोई ग्लॉस, ना कोई शिमर, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही नेचुरल कलर है। अगर आप लोग अपने चिक्स पर अप्लाई करोगे तो बिल्कुल इस तरह लगेगा कैसे जैसे आपके नेचुरली चिक्स जो है वो पिंक है। सॉरी, मैं चिप्स बोल रही थी। अच्छा जनाब, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये एक और भी हम लोगों ने रोज़ वाला कलर जो है वो ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा, ये जनाब सब क्रेव कलर है इनका, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। ये आप लोग देखें, ये ऑरेंज शेड में है और इसके अंदर ना लाइट लाइट शिमर भी आप लोगों को नज़र आएगा थोड़ा सा ना। ये देखें आप लोग किस कदर ये कलर शाइन कर रहा है, और ये जब आपके चिक्स पर लग जाता है ना, तो आपको फिर उसके बाद जो है वो हाइलाइटर वगैरह अप्लाई करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी चिक्स ऑलरेडी जो है वो शाइन कर रही होती है। लेकिन ये है कि जो आप क्रेव कलर है ना इसका, ये आप किसी भी इवेंट वगैरह पर लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप कहीं ऑफिस गोइंग हैं या कहीं पर भी, तो फिर आप इस तरह का जो है वो रोज़ कलर अप्लाई करो अपने फेस के ऊपर। बहुत ज़्यादा प्यारे शेड्स हैं ये इसके दोनों। ठीक है, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने इसका अभी ऑर्डर किया है पिगमेंट। हम लोगों ने फर्स्ट ही ट्राई किया, हमने सोचा कि इसका ये पिगमेंट ट्राई करते हैं। ये जनाब मैंने रोज़ गोल्ड कलर में इसका पिगमेंट लिया है, और ये मैं अभी आप लोगों को अप्लाई करूँगी। सबसे बड़ी बात ये इसके पिगमेंट की, जो ये बॉटल्स हैं ना, इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बाकी इसकी जो क्रीम जो है ग्लोस वो उसकी सॉरी ब्लश की, वो पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसको अंदर जो है वो एक और लिड भी देना चाहिए इसको पैकिंग के लिए। तो जनाब मैं इन प्रोडक्ट्स को इंशाल्लाह अपने फेस पर अप्लाई करके फुल मेकअप करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। चलिए जी, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक रब रखा।